हमें मेथी की नजर लगाओ तड़, मेरे मेथी को निहार रहे हैं कि वो जामे नहीं हाँ हाँ। अरे हम कहा जरूरी तो ये रहा पालक का पराठा और देखिए हमारे यहाँ का खुशनुमा माहौल मेरे पतिदेव की वजह से होता अभी ये इंजे... हो है अभी इंजेक्शन वो लगवाए नहीं तो आप लोग पूछना चाह रहे थे हेलो गुड मॉर्निंग जय श्री राम तो इतना धीरे से तो सुबह सुबह का टाइम है और एकदम मॉर्निंग में मैंने आज का ब्लॉग स्टार्ट किया है क्यों स्टार्ट किया है मुझे नहीं पता है एकदम पहला घूंट अभी लेने जा रही हूँ ना पानी पी हूँ मैं रामा के पापा चाय पीते हैं तो सुड़ सुढ़ ऐसी आवाज आती है <laughs> तो सामने वाला इरिटेट भी हो सकता है तो मैंने ब्लॉग की शुरुआत कर दी मुझे नहीं पता मैं आज क्या वीडियो बनाऊंगी बस ये वाला चदरा देख के दो और अब मैं के पापा भी परेशान हो गए जी कितने दिन हो गए धोले एक एज चुप रहे जी एक साल नहीं के भाई मतलब दस दिन पहले वहाँ धोले रहनी रही आप तो सुबह का टाइम है और आज हमारे घर में फिर से वही काम लगने वाला है और अरे सो रही है और हम दोनों बैठे यहाँ पे चाय की चूज़ ले रहे हैं ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है थोड़ी देर में मिलती हूँ थोड़ा सा कुछ काम धाम निपटा लूँ और आज मैं क्या ब्लॉग बनाऊँगी मुझे नहीं पता है हाँ लेकिन एक सवाल था कि घर कब तक बन के पूरा आपका तैयार होगा कब तक तब कुछ अंदाज़ा हुई दो महीने बाद चार महीने बाद एक साल बाद बीस साल बाद सौ साल बाद अब मुझे तब अरे बोली अरे चलो चल जंचल, देख लीजिए डांटी मुझे यही सब चाहते थे ना आप सब की मुझे डांट पड़े इसलिए आपने पूछा कि इनसे पूछ के बताइएगा सवाल का जवाब अब मैं रख रही हूँ राम मंदिर हेलो जी गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग तो मैंने पहले ही कर तो ये रही अलमारी अलमारी को हमने इस वाले रूम में रखा है और अरम्या अपना देखिए कपड़ा फोल्ड कर करके कर रखना स्टार्ट कर दी है ये देखिए थोड़ा सा इधर अंधेरा है लेकिन स्टार्ट कर दिया है उसने ये देखिए अरम्या कितना मेहनत कर रही है ये सारी अरम्या की हुडी और स्वेटर है ना अरम्या देखिए पूरी अलमारी जब हो जाएगी क्लियर तो दिखाती हूँ आप सबको काट के है ये वाली चीज तो मैं कर रही हूँ तो आप तो तो लोग पूछना चाह रहे थे कितना काम हुआ है तो छठ मैंने काटा काटते काटते बस एक ही काट पाई मैं नहीं काट पा रही हूँ और यहाँ पे देखिए ऊपर सीढ़ी का काम बना है पहले सीढ़ी ऐसी थी जानलेवा खतरनाक अब थोड़ी ऐसी होगी ऐसी, ऐसी 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 जैसी तैसी बन जाएगी मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है बस सीढ़ी बनेगी तो उससे चढ़ने के लिए है और यहाँ पे ना ये लगाए गए हैं ये रील बनाने के लिए ला ला ला, ला ला। और देखिए मैं आपको अम्मा के पापा को दिखाती हूँ आइए हम उनको रख दियो आप ना हां तो बस पर में खेलने वाले नहीं वो लेके भी खेल रहा था अरे हमारे हाथ में हमें मेथी की नजर लगाओ तड़ मेरे मेथी को निहार रहे कि वो जामे नहीं देखिए हमारे यहाँ का खुशनुमा माहौल मेरे पति देव की वजह से होता है अभी इंजेक्शन वाला लगवाए नहीं ज्योतिपुर जाके बड़े सकरा है तो वो जो डॉगी ने बाइट किया था अरम्या के पापा को तो मैं पूछना चाह रही हूँ डोगिया ठीक भैया अले चूरा गुड़ तो या तो मैं जा रही हूँ भी पोहे बनाने और जल्दी नहीं बना पाई तो रम्या के पापा चूरा और गुड़ खाते हैं रोज मतलब अच्छा भी लगता है और बेटी की जंग शुरू होगी अभी कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ और देखिए धूप बिल्कुल भी नहीं है बस सूरज देवता से प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं ऑप्शन है कि चलती हूँ ये लेती हूँ ट्राईपोड़ और मैं बनाती हूँ पोहे तो यहाँ पे मैं बना रही थी अरम्या के पापा का फेवरेट पोहे और अरम्या को भी पोहे बहुत अच्छे लगते हैं बचपन में वो नहीं खाती थी लेकिन जब वो बड़ी हुई तो वो खाने लगी अभी बचपन में ही है लेकिन हाँ मुझे तो बहुत छोटी थी तो वो पोहे नहीं खाती थी तो मैंने वही मनपसंद अपनी सब्जी आप डाल सकते हैं इसमें मैंने तो प्याज कड़ी पत्ता और ये सारी चीज़ें डाली हैं और पोहा मतलब चूरा हम लोग बोलते हैं चूरा और आप लोग बताइए क्या बोलते हैं बस सब हो जाने के बाद इसमें नमक हल्दी और चुटकी भर गरम मसाला डाल दिया है टमाटर वमाटर डाल दिए हैं और मैंने हरी हरी मटर डाल दिए और मटर बहुत अच्छी थी इतनी नरम थी ना ये देखिए और इस तरीके से पूरी अच्छे तरीके से मसाले इतने अच्छे बने थे ना इसके जैसे कभी कभी होता है ना कि मतलब बहुत अच्छे बन जाते हैं तो मैंने चूरा भिगो के रखा था बस उसको डाल दिया है और पोहा हमारा बन गया गर्मा गर्मा तैयार है और आप में से किस किस को पसंद है बताइएगा और आइएगा जरूर हमारे यहाँ पोहे पेखा था मटर और मैं यहाँ पे बनाने जा रही थी पालक के पराठे तो पालक को मैंने एक बार ही तो धो लिया हुआ था लेकिन काट के भी पालक को धोना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है तो बस मैं यहाँ पे ये बड़ा वाला चाकू तो ये चाकू ना कई बार ही ना मैं जिस साइड में चाकू का मुँह होता है ना उस साइड से मैंने काट दिया है और मुझे मेरा हाथ कट गया था क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे अंदाज़ा ही नहीं चलता था कि कौन मतलब फ्रंट कौन है बैक पार्ट इसका कौन है तो ये थोड़ा सा देखना पड़ता है और ये वाली चाकू बहुत ख़तरनाक है ये घर पे मतलब जो घर पे नहीं मतलब ये कंपनी में नहीं ये जो लोहार भैया लोग हमारे घर पे बनाते हैं ना चाकू वो वाली है तो ये बहुत अच्छी से चॉपिंग होती है बहुत अच्छे से खर खर कट जाता है और मतलब मुझे ना कई लोग बोलते हैं कि आप मतलब तारीफ में भी और वैसे बैड कमेंट में तारीफ़ में कि आप की जो हिंदी के साथ में देसी भाषा होती है वो बहुत अच्छी लगती है और जो लोग मेरी बुराइयाँ करते हैं वो बोल देते हैं कि हाँ तुम तो गंवार हो इसलिए तुम्हारी जो है वो भाषा कितना भी तुम कुछ भी पहन लो ओढ़ लो खा लो पी लो लेकिन तुम गंवार की ही रहोगी तो तुम्हारी गंवार वाली भाषा आ जाती है तो मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं होती हिंदी में थोड़ा सा हमारी भोजपुरी वाली टच तो आती ही है और ये बात अच्छी है कि हम जैसे कि अलग अलग राज्यों की बात ले लीजिए मान लीजिए दक्षिण भारत तो वहाँ पे जो उनकी मा मतलब देसी भाषा है वो लोग वही बोलते हैं बट हम यूपी बाहर के लोग जो पहाड़ बोल रही हूँ बिहार के लोग जो होते हैं वो क्यों नहीं हम लोग भोजपुरी बोलते हैं तो इसीलिए मैं अपने ब्लॉग में भोजपुरी बोलती हूँ मुझे लगता है कि मुझे जिस भाषा में मैं पली बढ़ी जन्मी सब कुछ हुआ है मेरा और जिस भाषा से ही हमारी पहचान है तो हमें वो भाषा बोलनी चाहिए ये बिना सोचे कि लोग क्या सोचेंगे लोग हमें गंवर सोचेंगे क्या सोचेंगे सोचने दीजिए जो लोग जो सोचते हैं अब मान लीजिए महाराष्ट्र के लोग हैं तो वो लोग मराठी बोलते हैं वो लोग बिल्कुल नहीं शर्माते तो जब तक हम अपनी खुद की भाषा को इज्जत नहीं दे ना हम हम एक्सपेक्टेशन अंग्रेजी सही बोला मैंने शायद वो वो नहीं कर सकते किसी से भी कि वो हमें इज्जत दे तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हमें घर से करनी होती है इसलिए मैं अपने ब्लॉग से करती हूँ तो बस मैंने यहाँ पे पालक जो है वो काट के रख लिया हुआ है और यहाँ पे दो ये जो बड़े बड़े टब दिख रहे हैं ना इसमें मैंने बर्तन धुल के रखे हैं अभी वो लगाए नहीं है क्योंकि बर्तन धो दिए ना मैंने कि वो पानी निकल जाता है फिर उसको मैं स्टैंड में लगा देती हूँ और इतने सारे बर्तन मेरे रोज़ के मतलब रोज़ का है कि मेरे को हो जाते हैं और ये सब जूठे हो जाते हैं मुझे बर्तनों का शौक़ है तो माजने का भी है और माजने का है तो यूज़ करने का भी है और ये चीज़ें ना मेरे आदत में आ चुकी है मतलब बर्तन ज़्यादा यूज़ करना और बहुत ज़्यादा धोने के लिए भी हो जाता है और कई लोग होते हैं कि थोड़े से भी बर्तन में अच्छी चीज़ें अच्छे से समेट के वो चीज़ कर लेते हैं बट मुझसे ये नहीं हो पाता है तो इसके लिए मैं क्या करूँ मुझे नहीं समझ में आता मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि कम हो कम यूज़ करूँ बट हो हो जाते हैं मेरे से हर चीज़ों को जैसे कि अब मैंने पालक काटा अब ये जो थाली है तो अब मैं इसको नहीं यूज़ कर सकती हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को मैं उसको फिर से मान तभी मैं यूज यूज़ कर सकती हूँ तो अभी तो मैंने खंगाल के जैसे रख दिया लेकिन मेरे से ऐसे नहीं होता है ये तो मैंने अभी के लिए रख दिया बट मैं नहीं कर पाती हूँ इस कोई चीज़ को मैं जल्दी नहीं मैं फिर से माँजने लगती इसलिए मेरे बर्तन वैसे बहुत ज़्यादा होते हैं और यहाँ पे मैंने आटा ले लिया है और आटे में मैं डाल दूँगी अजवाइन सौफ लाल मिर्ची हरी मिर्ची थोड़ा सा दो चम्मच बेसन सारी चीज़ें डालूँगी और नमक हल्दी ये सब चीज़ें डाल के मैं पालक के पराठे के लिए आटे लगा लूँगी और क्योंकि थोड़ा सा ना बेसन डाल देने से ना सॉफ्टनेस बनी रहती है बरकरार रहती है और अजवाइन डाल देने से हींग डाल दीजिए ये सब चीज़ें डाल देने से और साग के तो मित्र होते हैं अजवाइन ये सब चीज़ें तो उसको जरूर यूज़ करिए और मुझे लग रहा था कि मैंने पालक बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में लिया था और आटा भी लेकिन ले लिया था तो अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ज़्यादा पानी डालेंगे वो एक ही बार में गीला हो जाएगा क्योंकि पालक को हमने अभी धोया है ऑलरेडी वो पानी है उसमें और नमक डाला है तो वो रिलीज़ करेगा मतलब पानी जो है वो आ, नमक जो है वो पालक के साथ में मिल पानी छोड़ेगा तो इस बात का ध्यान रखें और फिर उसके बाद में आ गई थी यहाँ पे और ये बात मेरी कोट कैसी लग रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा और ये ऐसे मैं वीडियो शूट करती हूँ बार बार मुझे वीडियो के लिए ये स्टार्ट करना पड़ता है और मैं बना रही हूँ इधर आलू और गोभी की सब्ज़ी क्योंकि मैंने सोचा था चटनी के साथ खाएंगे लेकिन नहीं आया मैं के पापा को था कि नहीं हम सब्जी के साथ ही खाएंगे तो मैंने यहाँ पे सब्जी बनाई है मेरा ये ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अब मैं एक एक करके पराठे जो है वो सेक लूँगी तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ भले मैं आटा रख लूँगी लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बनाऊँगी क्योंकि दो पराठों से ज़्यादा हमारे यहाँ कोई खा ही नहीं सकता और मैं तो एक ही खाएगी मैं तो दो खा लूँगी तो ये बात हो गया आई होप कि ये रेसिपी एकदम छोटी सी नॉर्मल सी आप लोगों को अच्छी लगी होगी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा तभी मैं यहाँ पे चली सेक लेती हूँ पराठे और मिलती हूँ आप सबसे थोड़ी देर में रोड पे से महकता है रोड पे तो महकता है कहाँ जर गई बा आप एक वजह से बैठ के बीस बार फोन करते नहीं आपके खाना खाए खाती तो है पराठा जरल बा जाए दे कब्बे का फोन कहीं बने आपके दो बजे से फोन करा था नहीं खाना खाए खाती है ये देखिए ये पराठा कैसे जला है का लगा बहुत ज्यादा जल गया है मैं भूल गई थी इसको। मैं कब से जाके आंगन में बैठी हूँ की बात के? खाना खा ली पता है क्या हुआ मैं इनको फोन पे फोन किए जा रही हूँ दस बार इनको फोन किया है मैंने कि... और मोबाइल मोबाइल घर में अरे तो हम आंगन में बैठा रहनी है हम गाय से बतिया उठ रही है गैस तो ना जर्गिल तो 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 जर गिल तो जर गिल हो जाला इंसान है ये माहौल है घर का आई खाना खाई रुक के दिखाती हूँ क्या बनाया है मैंने तो ये रहा पालक का पराठा और गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्जी कहाँ गई नहीं अब ये इंसान ना मैं क्या बताऊ मैं अपने पति की क्या बात बताऊ कहा बनी हाँ ये देखिए तो अब मैं चलती हूँ पुलिस गाड़ी का है कोई नेता मंत्री अब मैं चलती हूँ अलमारी सही करने तो मैं और अरम में अलमारी सेट करेंगे और फिर मैं जो भी झाड़ू बर्तन का काम होगा वो करूंगी तो शाम को मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई मतलब दिन भर दिन तो छोटा बच्चा भी है मेरे पास और हम क्या खेल रहे हैं आपको दिखाती हूँ इसको क्या बोलते है अरम में स्लाइम। स्लाइम मतलब इसको ना बहुत मजा आता है इसको कचड़ने में ये ये डिब्बा में ऐसे मिलते हैं पिंक कलर का था ब्लू इसको निकाल के ना ऐसे ऐसे में इसका मम्मी गोली बनाती हूँ लो 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 तो वही कर रहे हैं और हम पी रहे हैं शाम की चाय मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा पसंद आया होगा तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा आज काम घर पे हुआ ही नहीं क्योंकि काम वाले भैया ही नहीं क्या करिएगा लाइक से डिसलाइक करिएगा ना जब घर में दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है तो मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में मेरे को बहुत ज़्यादा थकान हो गई इस जैकेट की वजह से ये कोट पहनने के बाद ना लग रहा है कि बाजू में ना पकड़ लिया है और आज मेरे लिए बहुत 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 अच्छा दिन था मतलब अभी तक तो बहुत अच्छा था एक गुड न्यूज़ मिली मैं एक बता देती हूँ आप लोगों को बता दीजिए अरे मेरे पापा बोल रहे नहीं अरे नहीं कोई गुड न्यूज़ नहीं है जैसे कई होता है ना मेरा ना एक हज़ार रुपये खो गए थे अब मैं उसको बहुत ढूंढी बहुत ढूंढी मुझे लगा कि वो कहीं गिर गए अब मिलेंगे ही नहीं तो आज वो मैं कपड़े बक्सा खोली हूँ पूरा घर में पूरा फैला हुआ है तो जैसे बक्से में तो मेरा हजार रुपये मिल गया मुझे इतनी खुशी हुई इतनी खुशी हुई इतनी खुशी हुई, हुई, हुई जैसे लगा कि क्या बताऊँ तो मैं उस थाउजेंड रुपीज़ का अरे मैं एक पापा पार्टी मांग रहे हैं मुझसे पाँच सौ का मैं उनको नहीं दूंगी पार्टी तो बस यही खुश खुशी की बात थी ऐसा होता है ना कि अगर आपके पुराने रखे पैसे मिल जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है मिलते हैं कल क्योंकि मैं बहुत घबराई हुई हूँ पहले मैं ये वाला मोटा वाला ये जैकेट खोलूंगी और फिर मैंने बक्सा खोला है क्योंकि मुझे कुछ काम था तो उस पर पूरी सामान सहार के रखना है और मिलते हैं आप सबसे कल की वीडियो में तब तो तक के लिए बाय बाय थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग